हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, 2 अगस्त के टॉप करंट अफेयर्स में आप सबका स्वागत है। लूसेंट रिवीजन की अब पॉलिटी की भी क्लास चल रही है, तो आप सब तैयार रहें। 9 AM लूसेंट रिवीजन और 8 AM तक हमारे करंट अफेयर्स आ जाएंगे। 12 PM जनरल साइंस। ये सारी चीज़ें आपको टाइमिंग ध्यान रखनी है। प्रैक्टिस टाइम अगर आएगा, प्रैक्टिस सेट, वैसे भी लगभग 30 से 40 सेट आ चुके हैं हर सब्जेक्ट के इतने सेट आ चुके हैं, तो आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। और 3 बजे के बाद ये सेट आपके पास पहुंचेंगे, मतलब आप लाइव लगा सकते हैं। ठीक है, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम से जुड़ने के बहुत फ़ायदे हैं। क्विज चलते हैं, आप PDF ले सकते हैं और फेसबुक इंस्टाग्राम सब जगह फॉलो कर सकते हैं चाहे तो। हु इज़ द न्यू चीफ ऑफ वेस्टर्न एयर कमांड। पश्चिमी वायुसेना के नए चीफ ऑफ कमांड कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं VR चौधरी। क्या नाम है इनका? VR चौधरी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों के जो हेड हैं। इसके अलावा एक नया पोस्ट क्रिएट किया गया है, उसका भी रिवीजन मैं आपको कराऊंगा। तो हमारे जो नेवी के हेड हैं उनका नाम है कर्मवीर सिंह, MM नरवाने। MM नरवाने किसके हेड हैं? ये हैं आर्मी के, मतलब आर्मी के जनरल हैं। और विपिन रावत की जहाँ तक बात करें, ये हैं हमारे पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, क्या है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS। ये पहला पोस्ट क्रिएट किया गया है और पहले CDS कौन है? विपिन रावत। इनके बारे में मैंने एक अलग से लेक्चर भी बनाया है, आपको देखना चाहिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। साथ ही साथ बहुत सारे प्लेलिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो इनका कार्यकाल होगा 3 साल का और 65 साल की उम्र में ये रिटायर हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना चाहिए, विपिन रावत के बारे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं। और आर्मी के जितने भी नए पोस्ट पे लोग बैठते हैं, नेवी के, एयरफोर्स के, आपको याद होना चाहिए, 15 जनवरी को मनाते हैं आर्मी डे। क्या मनाते हैं? आर्मी डे। ठीक है, 8 अक्टूबर को क्या मनाते हैं बताइए? एयरफोर्स डे। तो प्लीज़ 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 याद रखिएगा। अब मैंने यहाँ कुछ छोड़ा है आपके कमेंट करने के लिए। पहला ये है कमेंट करने का कि अभी हमारे जो वायुसेना प्रमुख हैं, मतलब एयर मार्शल हैं, उनका नाम क्या है? आई होप आपको पता भी होगा, तो प्लीज़ बताइए वायुसेना प्रमुख कौन है। और आपको अभी पता ही है, राफेल विमान भी आया है, वायुसेना में जोड़ा गया है। और ये राफेल किस देश से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है, फ्रांस के डेसॉल्ट एविएशन ने इसे बनाया है। और 2020 में 5 विमान टोटल इंडिया के पास आ चुके हैं। किस राज्यसभा MP का अभी हाल ही में निधन हो गया? विच राज्यसभा MP डेथ अकर्ड, तो किसका निधन हुआ बताइए? ये बहुत ईजी है। तो ये हैं अमर सिंह, अमर सिंह का अभी निधन हो गया। और ये अमिताभ बच्चन के काफ़ी करीबी मित्र भी थे और काफ़ी दिन मंत्री भी रहे, बहुत सारी इनकी उपलब्धियां हैं। लेकिन आपको मेनली याद रखना है कि अभी ये राज्यसभा MP थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। PM नरेंद्र मोदी के पर्सनल सेक्रेटरी ऑफ PM नरेंद्र मोदी इज़, तो ये कौन है? ये हैं हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ठीक है, और वन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, टीना डाबी यहाँ आप जो देख रहे हैं, ये ब्रिक्स की एक तरीके से सजेशन देने के लिए अपॉइंट की गई हैं, और इसलिए आपको टीना डाबी भी अपॉइंटेड हैं, तो आपको याद रखनी चाहिए। अगला है न्यू नेम ऑफ HRD मिनिस्ट्री। HRD मिनिस्ट्री मतलब ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का नया नाम होगा Education मिनिस्ट्री। एजुकेशन मिनिस्ट्री, तो नए हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन हो जाएंगे? रमेश पोखरियाल निशंक। ठीक है, और आपको पता ही है, नई शिक्षा नीति पे एक तरीके से डिटेल वीडियो मैं लाना चाह रहा हूँ, और ये नई शिक्षा नीति में काफ़ी बदलाव किए गए हैं, तो अगर आपको ये वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो शिक्षा मंत्रालय इसका नया नाम होगा। पेटीएम मनी के नए CEO कौन बन गए हैं? पेटीएम मनी CEO ये बन गए हैं वरुण श्रीधर। और पेटीएम मनी, आपको तो पेटीएम कई लोगों को पता भी होगा, ये 2010 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम में। कहाँ है? गुरुग्राम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। AIIB के फिर से अध्यक्ष कौन बन गए हैं? AIIB न्यू प्रेसिडेंट, तो AIIB के न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं जिन ली कुन। और AIIB है क्या? एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, स्थापना 2016 में, और इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। अब इसके साथ साथ जितने भी दुनिया के इम्पोर्टेंट बैंक्स हैं उन सब का हेडक्वार्टर जानते हैं क्या है इनकी? ठीक है,
तो AIIB न्यू प्रेसिडेंट जिन लुकिन हो गए हैं। अब आपको याद रखना है ADB, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, और ADB के जो हेड हैं इनका नाम है मसात्सुगु असाकावा, ठीक है। तो मसात्सुगु असाकावा ADB के नए अध्यक्ष बने हैं, हाल ही में अपॉइंट हुए। इसी तरीके से है वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक और IMF। वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1944 में और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, DC मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और इसी तरीके से है IMF, IMF का भी हेडक्वार्टर सेम जगह पे है लेकिन इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। अब IMF की जो हेड है उनका नाम है क्रिस्टीना जॉर्जीवा, ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं उनका नाम क्या है, डेविड मलपास। ओके, क्या नाम है, डेविड मलपास। अगला है हु इज ऑनर्ड विथ कर्मवीर चक्र ऑफ UN एंड आई कॉन्गो। UN एंड आई कॉन्गो ने कर्मवीर चक्र से किसे सम्मानित किया है? तो अब ये कर्मवीर चक्र है क्या, देखिए यूनाइटेड नेशंस और आई कॉन्गो ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि हमारे भूतपूर्व प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं, उनको उनके सम्मान देने के लिए ये कर्मवीर चक्र आयोजित किया था। और इस बार ये दिया गया सुनील YD VSS, ठीक है, आपको याद रखना है सुनील YD VSS, ठीक है। अब आते हैं विच नॉर्थ ईस्टर्न सिटी बिकेम द फर्स्ट सिटी टू क्लीन सीवर मैन होल बाई रोबोट। सीवर मैन होल की सफाई करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला शहर कौन है? मतलब जो मैन होल होते हैं नाली, आप समझ रहे हो ना, बड़े बड़े जो होते हैं, उनको सफाई करने के लिए रोबोट का इस्तेमाल करने वाला पहला नॉर्थ ईस्ट का राज्य, पूर्वोत्तर राज्य जो सिटी है वो है गुवाहाटी। और आपको अगर कुछ दिन पहले याद होगा तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका आयोजन असम के गुवाहाटी में ही हुआ था और इसका शुरू करवाया था किसने, सर्वानंद सोनोवाल ने। और इसे किसने जीता था, तो इसे जीता था महाराष्ट्र ने। ओके, महाराष्ट्र ने इसे जीता था। अब आते हैं बर्नट शूगर ऑथर हु इज मैन बुकर नॉमिनेटेड नेम इज, किस भारतीय मूल की लेखिका को उनकी पुस्तक बर्नट शूगर को 2020 बुकर पुरस्कार की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर मैंने कल भी बताया था, ये है अवनी दोषी। अभी हम लोग नॉर्थ ईस्ट के मैप को देखेंगे क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में नॉर्थ ईस्ट की बात हुई थी। तो ये रहा नॉर्थ ईस्ट पूरे इंडिया के मैप के साथ, और जो बेसिक फैक्ट्स है वो मैं आपको डिस्कस कराऊंगा। इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न मतलब पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज़्यादा अगर बाउंड्री किसी राज्य की सब राज्यों से लगती है तो वो है असम है। ध्यान से देखिए, असम की बाउंड्री सारे राज्यों से लगती है, ठीक है। असम किससे किससे लगता है, देखिए यहाँ पे असम के जो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इवन अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट बंगाल से भी लगती है। अब यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जाता है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये नॉर्थ ईस्टर्न पास्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से ऐसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट हैं जो कि ट्राई जंक्शन पे हैं। ट्राई जंक्शन जानते हो आप लोग क्या होता है, ट्राई जंक्शन होता है जहाँ पे तीन देशों की बाउंड्री हो। हाँ, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जब मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊँ तो प्लीज़ आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठो, क्योंकि इसकी PDF तो मैं टेलीग्राम में दे दूंगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अदरवाइज़। लेकिन जो ये मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताता हूँ इसके लिए तो आपको पेन और पेपर पे ही नोट करना पड़ेगा, इट्स वेरी यूजफुल फॉर यू। ओके, सो स्टार्ट करते हैं सिक्किम। सिक्किम है नेपाल, भूटान और चाइना का तिब्बत रीजन के ट्राई जंक्शन पे। ओके, अरुणाचल प्रदेश है चाइना, भूटान और म्यांमार के ट्राई जंक्शन पे, दो देश हो गए। अब आते हैं पश्चिम बंगाल को, ज़रा देखते हैं ये है क्या। तो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल, तो आपने यहाँ क्या सीखा, तीन राज्य ऐसे हैं जो कि तीन देशों से इनकी बाउंड्री लगती है। अब देखिए 4096 किलोमीटर, मैंने एक दिन कुछ दिन ये बताया था तो किसी ने कमेंट भी किया था कि सर ये प्लीज़ चेक इट आउट, ये सही नहीं है। तो जो NCERT बुक है, हमारे देश की मानक एक बुक है, स्टैंडर्ड बुक है, उसके हिसाब से बांग्लादेश की बाउंड्री भारत से सबसे ज़्यादा लगती है, वो है 4096 किलोमीटर।
प्लीज़ नोट इट डाउन। कल किसी ने कमेंट किया था कि सर बहुत तेज़ बोल रहे हो आप, मैं स्लो ही बोलूँगा, आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 4096 किलोमीटर हो गया बांग्लादेश का। बांग्लादेश से बाउंड्री लगती है वेस्ट बंगाल की, मेघालय की, त्रिपुरा की और असम की, ठीक है। अब बात करते हैं भूटान देश की बाउंड्री किससे किससे लगती है, तो लगती है सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश। चार राज्य भारत के ऐसे हैं जिसकी बाउंड्री भूटान से लगती है। नेपाल की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश लगता है, बिहार लगता है, सिक्किम लगता है और उत्तराखंड लगता है। ये हो गया, क्या हो गया, ये बताइए, ये हो गया नेपाल का। अब बात करते हैं अगला, आपने सुंदरबन डेल्टा का नाम सुना होगा, ये है सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके फाइनली गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट के जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क है। आई होप आपने नोट किया होगा। तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्रा एंटर करती है त्वांग नामक जगह पे, ठीक है, त्वांग नामक जगह पे। अरुणाचल प्रदेश का जो एक फेमस प्लेस है उसका नाम है नामदफा और मोलिंग, नामदफा और मोलिंग, नमो अरुणाचल मैं इसको कहता हूँ, क्या कहता हूँ, नमो अरुणाचल। अगला है असम, असम की राजधानी है कहाँ है बताइए, दिसपुर। और यहाँ पे जो नेशनल पार्क है प्लीज़ नोट कर लो आप लोग, डिब्रू साइखोवा, काजीरंगा, मानस, नामेरी और उरांग नेशनल पार्क जो कि रिसेंट में क्रिएट किया गया है, ठीक। अब आता है नागालैंड में, तो मैंने आपको बहुत अच्छा बताया था नागालैंड में एक ही नेशनल पार्क है, उसका नाम क्या है, इन टांकी, टंकी के पहले इन लगा दीजिए, इन टांकी, ठीक है। मणिपुर की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा नेशनल पार्क है, केबुल लामजाओ, ठीक है, मणिपुर में। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में कंचनजंगा नेशनल पार्क तो है ही, साथ ही एक और है खांग चेंग जोंग नेशनल पार्क, ठीक है, खांग चेंग जोंग नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों है। अब इसके अलावा त्रिपुरा बच रहा है, तो त्रिपुरा की अगर बात करें, त्रिपुरा मेघालय, इनमें भी अच्छे खासे फेमस नेशनल पार्क हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट बहुत एसेंशियल क्वेश्चन आते हैं, त्रिपुरा में बाइसन, ठीक है, बाइसन का एक और नाम है राजा बरी नेशनल पार्क और क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क। अब आप सोचोगे कि कहीं ये मैंने पढ़ाया है, तो आप ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाओगे या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, जितने भी भारत के नेशनल पार्क हैं उस पर मैंने ट्रिक के साथ वीडियो बनाया है, ठीक है। तो क्लाउडेड लेपर्ड एंड बाइसन या राजाबरी नेशनल पार्क, बाइसन को ही राजाबरी कहते हैं, ये कहाँ है, त्रिपुरा में, ठीक है। अगला जो है वो ये है मेघालय का बाल फकरम नेशनल पार्क, बाल फकरम नेशनल पार्क और नोकरेक नेशनल पार्क। तो आज मैं नॉर्थ ईस्ट के सारे नेशनल पार्क आपको नोट करा दूंगा, मेघालय के लिख लीजिए बाल फकरम और नोकरेक, ठीक है। तो इसका ट्रिक है नो बाल फकरम इन मेघालय, जिस तरीके से था नमो अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश का था नमो अरुणाचल, ठीक है। अब आते हैं मिजोरम का, तो मिजोरम में ब्लू माउंटेन है, आपको क्या पता है ब्लू माउंटेन बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो इसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहते हैं और इसका एक और नाम है फांग फुई, क्या नाम है, फांग फुई नेशनल पार्क। मिजोरम का क्या है, मुरलेम, ओके, मुरलेम और फांगफुई या ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क, ये दोनों चीज़ें कहाँ हैं, ये है मिजोरम में। अगला जो है त्रिपुरा का आपको मैंने बता दिया, तो आई होप आपके नॉर्थ ईस्ट सारे कंप्लीट हो गए होंगे। नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि असम का सत्रिया नृत्य, असम में सत्रिया नृत्य का उपयोग प्रचलन है, और जैसे कि रास नाम के जो भी नृत्य होते हैं ये असम में ही मनाया जाता है। आइए नृत्य भी देखते हैं भारत के कौन कौन से फेमस हैं, जैसे मणिपुर के मणिपुरी है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, मैं आपको पिक भी दिखाता हूँ। तो ये है मणिपुर है मणिपुरी, आंध्र प्रदेश की है कुचिपुड़ी, क्या नाम है, कुचिपुड़ी, ठीक है। मोहिनी अट्टम कहाँ का नेशनल पार्क है, तो ये है केरल का, ठीक है। तमिलनाडु का जो एक क्लासिकल डांस है उसका नाम क्या है बताइए, वो है भरतनाट्यम, क्या नाम है, भरतनाट्यम। और ये है मणिपुरी, और मैंने भांगड़ा बात किया था नहीं किया था, लेकिन ये है भांगड़ा और गिद्दा, दोनों कहाँ के डांस हैं, तो ये हैं पंजाब के, पंजाब रीजन के दोनों डांस हैं। तो आई होप आपके इतने सारे फैक्ट्स रिवीजन हो गए। आइए अब क्वेश्चन पे आते हैं।
तो हमने देखा था, 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच कंट्रीज पीपुल गॉट ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप मोस्ट, किस देश के लोगों को सबसे अधिक संख्या में ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता मिली है। तो ये देश के लोग हैं भारत, ठीक है, भारत देश के लोगों को सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता प्रदान की गई है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, कैनबरा, और डॉलर यहाँ की करेंसी है, और ऑस्ट्रेलिया को हमने मैप में भी कई बार दिखाया है, तो आपको ये पता होगा। ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है, ब्रासिलिया, और ब्राज़ील से आपको क्या याद आता है, ब्रिक्स, BRICS, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स मेंबर हैं, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रिक्स का, तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कोई जनरली हर साल ये राउंड शिप होती है, मतलब इस बार अगर इंडिया में होने वाला है मीटिंग तो इनके पास हेडक्वार्टरशिप चला गया, ठीक है। तो ब्रिक्स की जो रिसेंट मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी, मैंने बताया था, बताइए तो कमेंट करके आप लोग बताएंगे। मैंने ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछा था कि अभी भारत के एयर चीफ मार्शल कौन हैं, एयर चीफ मार्शल, अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी, और डॉलर यहाँ की करेंसी है। अमेरिका के 45वें प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। फ्रांस की राजधानी कहाँ है, पेरिस, और यहाँ की करेंसी क्या है, यूरो, ओके। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। यूरोपीय यूनियन में कौन अलग हुआ है, तो ये ब्रिटेन अलग हुआ है, और ब्रिटेन अलग होने के बाद वहाँ कितने मेंबर रह जाएंगे, 27। तो ये आपको याद होनी चाहिए। देखिए मैं चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा दायरा रहे आपके रिवीजन का। सोनम सेरिंग लेपचा, इनका निधन हो गया, यह किस सम्मान से सम्मानित हैं। तो देखिए ये भले ही पद्मश्री से सम्मानित हैं, जो कि भारत का चौथा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, पहला कौन है, भारत रत्न, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में। दूसरा है पद्म विभूषण, तीसरा है पद्म भूषण, और चौथा है पद्मश्री, ठीक है। तो ये जो है सोनम सेरिंग लेपचा का निधन हुआ है, ये पद्मश्री से सम्मानित थे। और मैं आपको क्लियरली बता दूं, पद्मश्री जो है ये चौथे रैंक का तो है, लेकिन ये इन्होंने लेपचा कल्चर को, लेपचा एक ट्राइब भी है नॉर्थ ईस्ट में, तो आपको याद रखना है, लेपचा कल्चर को सामने लाने में पूरे विश्व के बहुत बड़ा रोल प्ले अपना किया था इन्होंने, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन, इसलिए प्लीज़ याद रखिएगा सोनम लेपचा या सोनम सेरिंग लेपचा, ओके। अगला है वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस, ये मनाया गया 30 जुलाई को, कब मनाया गया, 30 जुलाई को। इसके अलावा फ्रेंडशिप डे भी मनाया जाता है, आपको पता है 30 जुलाई वर्ल्ड डे अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है, ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है अमेरिका ने, किसने लॉन्च किया है, अमेरिका ने। अगला है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड टेक्नोलॉजी के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है, तो ये IIT कानपुर के साथ इन्होंने समझौता किया है, IIT कानपुर। चलिए पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, विच स्टेट गॉट फर्स्ट हेलीकॉप्टर सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन, किस राज्य ने पहली बार हेलीकॉप्टर सेवा का शुभारंभ किया, तो ये राज्य है उत्तराखंड। किसने मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय विकसित किया है, मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम आश्रय डेवलप्ड बाय पुणे यूनिवर्सिटी, ठीक है, पुणे यूनिवर्सिटी आश्रय। आपके लिए क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने निःशुल्क मास्क वितरण योजना शुरू की है, कल मैंने इसका आंसर बताया था, ये है तमिलनाडु, और बहुत लोगों के आंसर सही भी थे, बहुत लोगों के आंसर आपको ये पता होंगे, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो कुछ अलग है, ठीक है। तमिलनाडु से रिलेटेड जितने भी नेशनल पार्क हैं, मैंने कई बार बताया है आपको, वो कमेंट करना है, ठीक है। तो कमेंट का कुछ क्वेश्चन मैंने आज ट्विस्ट कर दिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।